पिछले कुछ महीनों में विदेश में कई हिंदू मंदिरों को निशाना बनाने की घटनाएं सामने आई है और हाल ही में खालिस्तानियों ने पश्चिमी देशों में कई हिंदू मंदिरों को अपना निशाना बनाया है। लगातार हिंदू मंदिरों पर तोड़फोड़ करने और मंदिरों की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखने से देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। अगर ताजा मामले की बात करें तो अभी 3 दिन पहले मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित नेवार्क में जिस मंदिर को खालिस्तानियों ने अपना निशाना बनाया है वो मंदिर वॉशिंगटन DC से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मंदिर में तोड़फोड़ करने के बाद दीवारों पर भारत विरोधी नारे भी लिखे गए हैं और साथ ही खालिस्तानियों ने मंदिर की दीवार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक और अपशब्द भी लिखे हैं। बता दें इससे पहले भी अगस्त में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तानियों ने लक्ष्मी नारायण मंदिर को अपना निशाना बनाया था जहां उन्होंने मंदिर में तोड़फोड़ करते हुए दीवार पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की तस्वीरों के पोस्टर्स भी चिपकाए थे। पोस्टर के जरिए कनाडा से निज्जर की हत्या के मामले में भारत की भूमिका की जाँच करवाने की मांग की गई थी। बता दें इस घटना के ठीक 1 महीने बाद ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद से भारत पर निज्जर की हत्या करने के आरोप लगाए थे। बता दें हिंदू अमेरिका फाउंडेशन की ओर से जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की गई है उनमें देखा जा सकता है कि मंदिर की दीवार पर भारत विरोधी नारे लिखे गए हैं। इसके अलावा खालिस्तानी आतंकी जनरल सिंह भिंडरावाले का नाम भी ब्लैक इंक से लिखा गया है। फाउंडेशन ने खालिस्तानी आतंकवादी भिंडरावाले का नाम मंदिर जाने वाले लोगों को आघात पहुँचाने और उनमें हिंसा का डर पैदा करने के लिए लिखा है। हिंदू मंदिर में हुई तोड़फोड़ के मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, भारत अब थप्पड़ खाकर किसी के भी आगे अपना दूसरा गाल आगे नहीं बढ़ाएगा। भारत पिछले 10 सालों में बहुत बदल चुका है और अब भारत ईंट का जवाब पत्थर से देने की नीति पर लगातार आगे बढ़ रहा है और इसी पर लगातार काम करता रहेगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। नमस्कार।